चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो चैप्टर एंड करने से पहले क्वेरीज ले लेते हैं एक बार, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस प्लीज टेल मी, जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसमें कौन से पॉइंट में क्वेरी है प्लीज बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, यस 9th में बी पॉइंट, ओके। और एंड इसमें जी पॉइंट, यस। और कोई इसके अलावा क्वेरी? 10th सी, ओके। फिफ्टीन में कौन सा पॉइंट बोल रहे हो आप? ये कंप्लीट हुआ ना अपना? यस गो अहेड। और 16th में कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, यस। एंड दैट्स इट। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 6, जस्ट वन सेक। यस क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर सी मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। 9th, अच्छा 9th में बी और डी, तो 9th से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर बी। ऑन 30th मार्च 2019 द कंपनी एंटर्ड इन टू हायर परचेज अग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। बेटा ये एग्रीमेंट कब से हुआ? 30 मार्च से, राइट। और पेमेंट कब करना था उनको? कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2019, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। ऊपर मंथ कौन सा दिया हुआ है बेटा? 30 जून। और पेमेंट स्टार्ट कब से हुआ? अप्रैल से, मतलब कितने महीने हो चुके हैं? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो चुके हैं। मतलब बैंक आपके कितने पैसे डिडक्ट कर चुका है? 3 लाख के हिसाब से 3 महीने कितने हो गए? 9 लाख। तो बेटा आपने 9 लाख रुपए की एंट्री की है क्या? नहीं। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक, क्योंकि आपने कंपनी को बोल के रखा था कि मेरे हिसाब मेरे बिहाफ पे कर देना, तो क्या बैंक ने आपके बिहाफ पे किया होगा? ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, कैश बुक में या पासबुक? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। पासबुक में पैसे आए हैं या पैसे गए हैं? पैसे गए हैं, तो प्लीज बताइए एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हुई होगी? ये कैश बुक है, ये पासबुक है। मान लेते हैं मेरा 10 लाख रुपये बैलेंस था, 10 लाख रुपये बैलेंस, ठीक है, 10 10 लाख रुपये बैलेंस था, 3 लाख रुपये 1 महीने का, 3 महीने का कितना हुआ? 9 लाख रुपये। तो 9 लाख रुपये कंपनी ने आपके डिडक्ट किए होंगे, राइट, अब पासबुक में। तो प्लीज बताइए पासबुक का बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख। हमारे हिसाब से 10 लाख डिफरेंस है 9 लाख रुपए का। एरो आपको बताया, क्या एरो था इस क्वेश्चन में? पासबुक तो कैश बुक, बताइए अब क्या करना है? ऐड 9 लाख। पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, जो जो पॉइंट नहीं आया, जिसको भी इसके अलावा भी कुछ रहेगा तो आप बता सकते हैं, और जिसको नहीं आया प्लीज कॉपी करते जाइए। पॉइंट नंबर जी, मैं जी पॉइंट रीड कर रहा हूँ। अ डेबिट ऑफ रुपीज 11 लाख अपियर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। द चेक हैड बीन रीडेटेड टू द कस्टमर एंड पेड इन टू द बैंक अगेन ऑन 5th जुलाई। एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे? अ डेबिट ऑफ रुपीज 11 लाख अपियर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ एन फॉर एन अनपेड चेक। चेक पे हुआ क्या? नहीं हुआ। विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। अब हुआ क्या था? आगे उन्होंने क्या दिया? द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इन टू द बैंक। एक मेरा कस्टमर था, उसने मुझे एक चेक दिया। प्लीज बताइए मैंने एंट्री कहाँ करनी चाहिए? कैश बुक के? ओके फाइन, मैं पूरा केस समझाता हूँ आपको। ये 1000 रुपीज था, ये 1000 रुपीज था, ठीक है। मुझे एक, आप एक मेरे कस्टमर हो, आपने मुझे चेक दिया, मैंने एंट्री कहाँ करनी चाहिए? कैश बुक के डेबिट साइड। यहाँ तक सही था, ये मैंने एंट्री किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये चेक मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट किया, राइट, बैंक में जाके डिपॉजिट किया। अल्टीमेटली ये पैसा आया या नहीं आया? द आंसर इज नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ऐसा था, एक चेक था। आज की डेट क्या है? आज की डेट 22nd, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? अगर मैं ये डेट लिख देता हूँ यहाँ पे 21 लिख देता हूँ, क्या ये चेक पास होगा? प्रॉब्लम क्या हुआ? ईयर चेंज हो गया, हो जाती है गलती कभी कभार, सबसे होती है, राइट। तो वहाँ पे डेट चेंज हो गया था, मार्क्ड आउट ऑफ डेट, या फिर 3 महीने एक्सपायरी हो गई थी, 3 महीने के बाद ये चेक कुछ काम का नहीं रहता, ठीक है। मान लेते हैं डेट बराबर थी, ये 20
2024 का था, अप्रैल का था, 4 महीने बाद क्लियर होगा क्या? द आंसर इज नो. तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ डेट, मार्क्ड आउट ऑफ डेट, इसकी डेट बराबर नहीं है, राइट. तो क्या बैंक में पैसे आएंगे, क्या ये बैंक में पैसे आएंगे? द आंसर इज नो. बैंक में पैसे आए क्या? नहीं. अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कितना हो गया? 1200. इसके हिसाब से कितना हो गया? 1000. समझ पा रहे हो? इन शॉर्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मार्क्ड आउट ऑफ डेट. मैंने चेक डिपॉजिट किया, अल्टीमेटली उसके बाद फिर हमने क्या किया होगा? छोड़ देंगे क्या कस्टमर को? नहीं, हम गए कस्टमर के पास. कस्टमर ने क्या बोला? द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर. कस्टमर को बोला भाई इस पर डेट चेंज करके दे. तो उसने डेट चेंज किया, उसमें साइन किया या फिर नया चेक दिया होगा. और वो चेक हमने वापस से बैंक में कब डाला? 5 तारीख को. बट एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में 31st या 30 जून की जब बात करेंगे, तो प्लीज बताइए ये चेक पास, ये चेक बैंक में पैसा आया है क्या आपका? नहीं. क्या कैश बुक में हमें एंट्री की थी? यस. फिलहाल उसको या तो रिवर्स करना पड़ेगा या फिर 5 तारीख तक वेट करना पड़ेगा जब तक पैसा आएंगे. क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस. तो मार्क्ड आउट ऑफ डेट का कंसेप्ट है कि हमने चेक तो डिपॉजिट किया लेकिन एक्चुअल में वो इशू सॉरी प्रेजेंट हुआ ही नहीं. पॉइंट क्लियर है सबको? एरो क्या था इस क्वेश्चन में? पासबुक को कैशबुक क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए. तो यहाँ पर ऐड 11 लाख. पॉइंट क्लियर? और कोई क्वेरी इस क्वेश्चन में? नहीं. आउट ऑफ डेट का कंसेप्ट समझ में आया. अब आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया होगा, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो उन्होंने क्या किया? अ डेबिट ऑफ 11 लाख. बैंक ने डेबिट किया आपके अकाउंट से. नॉर्मली बच्चों के माइंड में ये रहता है. बेटा एक एक्चुअल कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक्चुअल में बैंक में क्या होता है. मैंने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है. आज एक एग्जांपल लेता है. मैंने 1 तारीख को ये चेक डिपॉजिट किया, 1 तारीख को, ठीक है. 1 तारीख को कभी भी सुबह दोपहर शाम में मैंने कभी डिपॉजिट किया होगा. बैंक ये कलेक्शन के लिए लेगा, 2 दिन लगता है आइडियली कलेक्शन में, राइट. तो 3 तारीख के दिन बैंक 200 रुपये यहाँ डाल देगा. अभी तक चेक कलेक्ट नहीं हुआ. 3 तारीख सुबह बैंक ने 200 रुपये मेरे अकाउंट में डाल दिए, लेकिन ये बैलेंस चला जाता है अनक्लियर्ड अमाउंट. अगर किसी ने कभी भी गौर किया होगा, मेरे ख्याल से इतना आपके अकाउंट में कभी आया नहीं होगा चेक आया हो और अनक्लियर्ड अमाउंट है. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, बैंक थोड़ी देर के लिए ही सही आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालता जरूर, चाहे वो चेक क्लियर हो या ना हो. आपने चेक डाला था ना बैंक में, आपने चेक डाला था, तो जिस दिन उसकी क्लियरिंग डेट आती है सुबह सुबह आपके इसमें आ जाता है कि हमने चेक कलेक्शन के लिए ले लिया है हाथ में, शाम तक पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट. तो ये 200 रुपये आते तो हैं, रिफ्लेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन सच में पैसे आप यूज़ नहीं कर सकते तब तक आज शाम, जब तक वो सच में सामने वाले की बैंक से कंफर्मेशन नहीं आता. मान लेते आपने मुझे चेक दिया, मैंने डिपॉजिट किया, मैं बैंक गया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में 2 दिन बाद पैसे आएंगे, लेकिन सुबह सुबह क्या करेगा वो? पहले ही मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा. अब तक क्लियर नहीं हुआ, अब तक आपकी बैंक से कंफर्मेशन आया भी नहीं है, लेकिन सुबह सुबह वो डाल देगा ये मेरे कंफर्मेशन के लिए कि बॉस तुम्हारा चेक मिल गया है हमको, पैसे शाम तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. ऑल्दो दोपहर में वो या सुबह ही क्रेडिट कर देता है, सच में पैसे आए हैं क्या अब तक? नहीं. तो अल्टीमेटली अगर सच में पैसे आ जाते हैं तो ये अनक्लियर अमाउंट से क्लियर अमाउंट में आ जाता है, कोई पैसे आगे तुम्हारे अकाउंट, तो अब आप यूज कर सकते हो. लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हुए तो फिर से वो डेबिट कर देता है यहाँ. अल्टीमेटली कुछ फर्क पड़ा क्या डेबिट क्रेडिट का? नहीं. डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, अल्टीमेटली मेरे बुक्स में एंट्री हुई लेकिन पासबुक में एंट्री कभी हुई नहीं. तो ये वही हुआ कि पहले सुबह सुबह 11 लाख रुपए उसने दिया होगा आपको और वापस उसने दोपहर में डेबिट कर दिया होगा. इस तरह हम बोलते हैं जो प्रैक्टिकल सेंस होता है बैंक का वर्किंग करने का कंसेप्ट वो ये रहता है. पॉइंट समझ में आया सबको ये? चलो बोलो. 3 पॉइंट. अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% on his account of rupees 4 lakh paid to the firm on a check on 12th June. हाँ बेटा ये कंसेप्ट हुआ है अपना वैसे भी. तो यहाँ पे हुआ क्या, एक कस्टमर था. कस्टमर मतलब पैसे लेने हैं या हम पैसे देने वाला है? पैसे लेने हैं उससे. कस्टमर है ना हमारा, पैसे देगा. तो उससे 4 लाख रुपए लेने थे, हमने उसको बोला भाई पैसे दे, तो उसने चेक दिया हमको पूरा दिया क्या? नहीं. 4% डिस्काउंट लेके दिया. 4% डिस्काउंट मतलब कितना होगा? 16,000. मतलब उसने चेक अपने को कितने का दिया होगा? 3,84,000 का. फिर अपन ने ये बैंक में पैसा डाला होगा, तो बैंक में पैसे कितने आएंगे? 384 या 4 लाख? 384. इतनी बात समझ में आती है सबको. आगे क्या हो रहा है, द कैशियर एरोनियसली एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. लेकिन मेरे कैशियर ने क्या कर दिया, पूरा अमाउंट लिख दिया. पूरा अमाउंट मतलब कितना? 4 लाख. तो ग्रॉस अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट. तो यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास 384 आए थे, राइट. उसने एंट्री कर दिया यहाँ पे 4 लाख रुपए की डेबिट व्हाट कम्स. लेकिन क्या आपको लगता है बैंक में 4 लाख रुपीज आने वाले हैं बेटा? बैंक में तो एक्चुअल में कितने आने वाले हैं? 3,84,000 ही आने वाले हैं, राइट. तो यहाँ पे 384 हो गया और यहाँ पे 400 हो गया. यहाँ से यहाँ जाना तो क्या करना पड़ेगा? एड बैक
16,000 और रिवर्स जाना है तो लेस 16,000. पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट वन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में सी पॉइंट, फ्रॉम द फॉल सॉरी चेक वर्थ रुपीज 11,40,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 28 दिसंबर 2019 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक. ये 11,40,000 का कंसेप्ट तो खत्म हो गया, इसके बाद अलग से कंसेप्ट. इन एडिशन टू दिस, मतलब इसको छोड़ के, इसके अलावा, इन एडिशन वन चेक ऑफ 5 लाख वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 दिसंबर बट वॉज बैंक्ड ऑन 3 जनवरी. क्या हुआ था? हमने एक चेक डिपॉजिट किया 5 लाख रुपए का, राइट? कब डिपॉजिट किया बेटा? 30 दिसंबर को. जब हम चेक डिपॉजिट करते तो एंट्री कहां करते? यहां पर. लेकिन ये पासबुक में एंट्री कब हुई? 3 जनवरी. मैं 31 दिसंबर की बात करूँ, 31 दिसंबर में कलेक्ट हुआ क्या? नहीं. तो बस वही है ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, वही तो कंसेप्ट है. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ये 11,40,000 की अलग एंट्री करनी है और ये 5 लाख की अलग एंट्री करनी है. इन शॉर्ट टोटल अमाउंट जो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड इज 16,40,000. दोनों अलग अलग अमाउंट बता सकते हो. पॉइंट क्लियर है सबको? और कोई क्वेरी इस क्वेश्चन में? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 15. फिर 15 में एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट? 4 पॉइंट बोल रहे हो क्या? ओके, तो पॉइंट मैं स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से देख लीजिए. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 3,500. प्लीज बताइए फेवरेबल या अनफेवरेबल. इट इज अनफेवरेबल. ये डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल है. एक्चुअली मेरा एरो पासबुक से कैशबुक आना चाहिए था, बट क्योंकि अनफेवरेबल हम कैसे जाएंगे? कैशबुक से पासबुक. मेरे ख्याल से एरो सेट करने में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेट हो गया. और चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2,500 ऑन 15th मार्च, डिपॉजिट ऑन 15 मार्च बट द सेम वॉज रिटर्न बाय द बैंक ऑन 24th मार्च फॉर विच नो एंट्री वॉज पास. रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिसऑनर. रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिसऑनर. तो हमने चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर. प्लीज बताइए जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं एंट्री कहाँ पे करते हैं? कैशबुक के डेबिट साइड में. ये 1,000 रुपीज था, ये 1,000 रुपीज था, हमने 200 रुपए की एंट्री की, वो डिसऑनर हो गया. मतलब बैंक के पैसे आए या नहीं आए? नहीं है. हमारे हिसाब से 1,200, इसके हिसाब से 1,000. अपना एरो सेट हो चुका था ऑलरेडी, क्या करेंगे? समझ पा रहे हो? तो इट इज नथिंग बट चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर. हमारे ऑर्डर के हिसाब से 5th पॉइंट था ये, सो दिस वाज द 5th पॉइंट. तो क्या करेंगे यहाँ पे? -2,500. नेक्स्ट, ड्यूरिंग मार्च टू बिल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,500 एंड 500 वर कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक. बैंक कलेक्ट हुआ, मतलब पैसे आए या पैसे गए? पैसे आए. एंट्री कहाँ पे? कैशबुक में या पासबुक में? पासबुक में. जब पैसे आते हैं बेटा तो बैंक क्या करता है? आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है. कलेक्ट होता है मतलब पैसे आए ना बेटा. ये कैशबुक और ये पासबुक 1,000 एंड 1,000. बैंक में अगर 200 रुपए आते तो बैंक क्रेडिट करेगा. बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 1,200. हमारे हिसाब से कितना? 1,000. यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्या करना है? प्लस कितना ऐड करेंगे टोटल? 3,000. नेक्स्ट पॉइंट, अ बिल ऑफ रुपीज 5,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर 4,800. द बैंक डेबिटेड द अकाउंट बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक. चेक डिपॉजिट सॉरी डिस्काउंटेड वी आर डिसऑनर. पॉइंट नंबर क्या है हमारे इसमें? 6. बैंक क्या करते हैं? आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं. आपके अकाउंट से पैसे निकालेगा, कितने पैसे निकालेगा? 4,800 या 5,000, पूरे 5 निकालेगा, राइट? अगेन एंट्री कहाँ पे हुई? कैशबुक में या पासबुक में? पासबुक के कौन से साइड पे? पासबुक के डेबिट साइड पे. ये कैशबुक है, ये पासबुक है, ये 1,000 और ये 1,000, ठीक है? बैंक ने आपके पैसे निकाल लिए. आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे? ये 800 और ये 1,000. यहाँ से यहाँ जाना है, माइनस करें अमाउंट कितना? -5,000. एंड लास्ट फॉर्म, अ चेक ऑफ रुपीज 1,500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन कैश. एक चेक था बेटा, ट्वाइस डेबिट किया. एक बार डेबिट सही था क्या? एक बार तो सही हुआ होगा, राइट? दूसरी बार में प्रॉब्लम हुआ. तो प्लीज बताइए जब आप 1,500 का चेक डिपॉजिट करते हो तो आप एंट्री कहाँ करते हो? कैशबुक के डेबिट साइड. अच्छा, अगर आपने डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा आएगा क्या? ये 1,500 तो यहाँ 1,500. क्या यहाँ तक सब सही चल रहा था? यहाँ तक सब सही चल रहा था. उसने बोला कि पासबुक में गलती हुई है. नहीं, प्रॉब्लम कहाँ हुआ? वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन कैशबुक. मैंने गलती से 2 बार यहाँ एंट्री कर, ये वाला गलत हुआ ना पॉइंट, राइट? तो यहाँ अमाउंट कितना हो गया बेटा? 4,000. यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया? 2,500. अगेन एरो यहाँ से यहाँ, कितना डिफरेंस है?
15, समझ पा रहे हो? डेबिटेड ट्वाइस का मतलब ये नहीं होगा कि दो बार गलती किया होगा, एक बार सही किया होगा, दूसरी बार गलत किया होगा। पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? तो यहाँ पे -1500 अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा मेरे ख्याल से। यस, कितना आ रहा है? -2500। तो ऊपर डेबिट था बेटा, नीचे आइडियली क्या आना चाहिए था? क्रेडिट आना चाहिए था, बट क्योंकि वो माइनस आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश मतलब फेल होगा। पॉइंट क्लियर है सबको? एंड 16th में जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पॉइंट वैसे भी नहीं आने वाला था, समझो? अगेन आउट ऑफ डेट का ही है ना, आउट ऑफ डेट है, नहीं आउट ऑफ डेट नीचे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? आउट ऑफ द टोटल चेक, टोटल द वर्ड इज टोटल ऑफ 8900 इशूड ऑन 27th मार्च, वन चेक ऑफ 7400 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th अप्रैल। मैं सिर्फ यहाँ तक स्टॉप करूंगा। 8900 में से मैंने चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब एंट्री कहाँ पे किया? कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बट वो प्रेजेंट हुआ कब? प्रेजेंट हुआ 4th अप्रैल को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 31st मार्च तक प्रेजेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल 31st मार्च, मतलब ये 7400 का अमाउंट तो मिल गया आपको, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सही है। आगे 1500 की बात करेंगे। अच्छा, इस ये 7400 का इफेक्ट सबको आता है क्या? मैं 8900 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 7400 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज बताइए जब हम चेक इशू करते हैं हम एंट्री कहाँ पे करते हैं? कैश बुक के क्रेडिट साइड में। तो मैं दोनों को इंडिविजुअल अमाउंट ले रहा हूँ बेटा, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। बैलेंस ले रहते हैं 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 का बैलेंस ले रहते हैं। प्लीज बताइए अगर मैं 7400 का चेक इशू कर रहा हूँ तो मैं एंट्री कहाँ कर रहा हूँ? कैश बुक के क्रेडिट साइड में, राइट। बैंक भी एंट्री कर रहा है, लेकिन बैंक एंट्री कब कर रहे हैं? 4th अप्रैल को। मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च में एंट्री किया क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल मंथ एंड। तो मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 2600। इसके हिसाब से 10,000। एरो क्या था आपने? एरो बताया क्या इस क्वेश्चन का? एरो नहीं पता, जो भी एरो रहेगा बेटा, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो, और यहाँ से यहाँ आना है तो, लेस। इतना सबको समझ में आता है ना? एरो सबको समझ में आता है क्या करना है? ये आपके सामने हो गया। बाकी 1500 की बात करते हैं, 1500 की बात करते हैं। एंड दी अदर चेक ऑफ ₹1500 हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। हमने एक को चेक दिया होगा, ऑब्वियसली ये चेक इशू की बात कर रहा है ना बेटा, ये टोटल चेक इशू की बात कर रहा ना। मैंने किसी को एक चेक दिया होगा 1500 को, राइट, वॉज रिटर्न्ड बाय हिम एंड इन लियू। वो अगर मैंने आपको चेक दिया, मैंने आपको चेक दिया तो मैंने एंट्री कहाँ किया होगा? मैंने आपको चेक दिया तो मैंने एंट्री कहाँ किया होगा? कैश बुक के क्रेडिट है, राइट। मैंने आपको चेक दिया तो मुझे ऐसा लगता है पैसे गए, राइट, बट आपने क्या किया? वॉज रिटर्न्ड बाय देम, मतलब आपने वो चेक मुझे वापस दे दिया, मतलब क्या बैंक से पैसे निकले? नहीं। आगे वो क्या बोल रहा है? एंड इन लियू ऑफ दैट अ न्यू चेक ऑफ द सेम अमाउंट वॉज इशूड टू हिम ऑन 4th अप्रैल। और आपने रिटर्न दिया और मैंने आपको 1 तारीख को मतलब नेक्स्ट मंथ में फिर से एक नया चेक दिया, ऐसे ही हुआ। नो एंट्री वॉज ऑफ रिटर्न वॉज मेड, और आपने जो मुझे वो चेक रिटर्न दिया मैंने उसकी एंट्री किया ही, मतलब क्या हुआ? मैंने आपको चेक दिया, मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा बेटा? कैश बुक के। तो मान लेते हैं ये 5,000 बैलेंस था कैश बुक, और 5,000 का बैलेंस था, मैंने आपको 1500 का चेक दिया, राइट। आइडियली आपने क्या करना चाहिए था प्लीज बताइए? आपने मेरे बैंक जाना था और पैसे निकाल लेना, सही है? आप किया कि आपने ऐसा? नहीं, उल्टा आप मेरे पास आए और आपने कहा सर ये चेक वापस दो, मुझे दूसरा चेक दो, एक्सपायर्ड, जो भी रीजन हुआ होगा मुझे नहीं पता। आपने क्या कहा? वो चेक मुझे वापस दो, मतलब आपने मुझे वो चेक वापस किया। अगर आपने मुझे वो चेक वापस किया तो मैंने एंट्री कहाँ से की थी? कहने से वो पैसा जाने वाला नहीं है, नहीं जाने वाला है, तो मैंने यहाँ से हटा देना था। हटाना कैसे चाहिए था? डेबिट में लिख के किया क्या मैंने? बट नो एंट्री फॉर द रिटर्न वॉज मेड, मैंने रिटर्न की एंट्री नहीं किया, मतलब कहने से मैं यही मांग के चलूँ पैसे गए, जबकि सच में जाने वाले हैं क्या? नहीं। तो प्लीज बताइए कितना अमाउंट हो गया ये? 3500, यहाँ पे कितना? 5000। यहाँ से यहाँ जाना है तो +1500, और रिवर्स आना है तो -1500। अब आपको ये बात समझ में आया क्या कि पूरा 8900 वही था चेक इशू पर नॉट प्रेजेंट? समझ में आया? मैंने चेक इशू किया बट उन्होंने आपको सिर्फ सेंटेंस में घुमाने की कोशिश, मैंने आपको चेक दिया तो मुझे ऐसे लग रहा था पैसे सच में गए, सच में गए क्या? नहीं, उल्टा रिटर्न में आपने मुझे वो चेक वापस दिया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको नया चेक देता। नया चेक कब दिया मैंने? 1 तारीख को। 1 तारीख को अपने बजट से बाहर हो गया, अपना 31st मार्च के बाहर हो गया, उसका तो सोचूंगा ही नहीं। लेकिन ये रिटर्न की एंट्री पास करना चाहिए था ना आपने? कैसे पास करना चाहिए था? कहने से वापस डेबिट में एंट्री करके किया क्या आपने? नहीं किया, इस वजह से फर्क आ रहा है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये इन शॉर्ट पूरा 8900 या तो प्लस या तो माइनस करना था, पूरा 8900। तो वो सिर्फ 8900 का उसने दो बंटवारे दिए, तो दो अमाउंट आपको बैंक BRS में अलग अलग बनाना था। ऑल दो सॉल्यूशंस मैंने पूरा के पूरा शेयर किया, आपने चेक किया होगा, राइट, वो सॉल्यूशन मैंने खुद चेक किया है,
और फिर ही मैंने शेयर किया, एक स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया मुझे, मैंने उसके सॉल्यूशन शेयर किए ग्रुप पे, प्लीज चेक कर लो प्रेजेंटेशन भी और आंसर्स स्टिल। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ से आने वाले 3 दिन आपके कंटिन्यूस BRS पे टेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आने वाले 3 दिन कंटिन्यूस BRS पे टेस्ट रहेंगे, दो दो क्वेश्चन रहेंगे, 20-25 मिनट में हो जाना तैयार, ठीक है। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके सो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, आइडियली ये निगलेक्टेड चैप्टर है, जो बच्चे निगलेक्ट करते हैं द फर्स्ट रीजन सर व्हाट टफ लगता है, बेसिक तो हमारा पाला ही नहीं वाला, हमको फाइनल अकाउंट सिखा दो, फाइनल अकाउंट की पोस्टिंग तो कर लेंगे, थोड़े तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट ये जो चैप्टर है ना बेटा अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, ये आपके पूरी अकाउंटिंग बेसिक, जितना भी आपका बेसिक नॉलेज ना पूरा टेस्ट करता है, और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हर चैप्टर में इसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट आ सकता है, अगले लेवल्स में भी आपको ये पॉइंट रहने ही वाला। एंड द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा इस चैप्टर में ऑल्दो सिर्फ नाम रेक्टिफिकेशन है बेटा, बट मैं आपको इसमें जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट सब कुछ सिखाता हूँ, एक ही चैप्टर में सब कुछ है। ऑब्वियसली अगर सबका नॉलेज रहेगा तो ये चैप्टर आता है, ये आपकी पूरी बेसिक अकाउंटिंग चेक करेगा, कितना बेसिक आता है आपको 11-12 में, आप क्या क्या पढ़ गए सब कुछ चेक करता है। अगर आपको जर्नल लेजर आता है ना बेटा तो ये चैप्टर आएगा, इनफैक्ट जर्नल लेजर आएगा तो ही आगे के चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो रटने वाला काम रहेगा। मैं कोशिश करूंगा मैं ये चैप्टर थोड़ा स्लो लूँ लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर करवा दूँ। द ओनली रीजन इज ये चैप्टर आपको कनेक्ट करेगा आपके फाइनल अकाउंट से भी, आपके डेप्रिसिएशन से भी, आपके सेल ऑन अप्रूवल से, या फिर आने वाले बहुत सारे चैप्टर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इनफैक्ट NPO से भी। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बेटा एग्जैक्टली क्या है, एरर मतलब क्या, गलती। एरर मतलब क्या, गलती हम सबसे होती है, राइट, आप लोगों से ज्यादा होती है। तो एनीवेज उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना मतलब क्या, सुधारना, तो गलतियों को सुधारना। तो गलती को सुधारने से पहले अपने को सबसे पहले क्या मालूम रहना चाहिए कि गलती हुई है, तो अपनी गलती मानना चाहिए, ठीक है। अपनी पहले गलती मानेंगे, हाँ सच में गलती हुई हम, और मालूम पड़ेगा गलती क्या हुई है तो ही सुधार पाएंगे ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो काम आपका आपका होता है कि गलती हुई है ये समझ में आना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं, गलती कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर टाइप्स ऑफ एरर, बेटा ये चैप्टर में 2-3 दिन सिर्फ बेसिक पढ़ने वाला है, तो प्लीज मिस नहीं करना, बेसिक मिस हो गया आगे चैप्टर्स में वापस कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, पहला एरर आप में से कोई बताएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, यस बताइए एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहले आपके 3 गोल्डन रूल्स रहते हैं, 3 गोल्डन रूल्स कौन से होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल एक बार बता दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। मतलब अगर कुछ फायदा हुआ तो क्रेडिट, नुकसान हुआ तो डेबिट, कुछ बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट, कोई रिसीवर है तो डेबिट, कोई गिवर है तो क्रेडिट। और पर्सनल का ही एक एक्सटेंडेड रूल है, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रिएटर। अगर किसी इंसान को आपको डेटर बनाना है तो उसको डेबिट कर दो, अगर किसी इंसान को आपको क्रिएटर बनाना है तो क्रेडिट कर, राइट। एक्सटेंडेड रूल क्या है, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रिएटर, ओके। इतनी बात आपको समझ में आती है बेटा, 11-12 में फाइनल अकाउंट किया था आप लोगों, टैली नहीं हुआ होगा तो भी चलेगा, पोस्टिंग पता है क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ परचेस कहाँ आता है तो आप क्या बोलो, सर ट्रेडिंग डेबिट में, राइट। सेल्स कहाँ आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट में। डेटर्स कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट एसेट में। कैपिटल कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। क्रेडिटर्स कहाँ शो करते हैं, अगेन बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। मशीनरी कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट एसेट। ये बात सबको समझना है, हाँ बस इतना अगर नॉलेज रहा ना तो भी मैं आपको आगे सिखा दूँ, वहाँ से खींच के लेंगे। रेक्टिफिकेशन में आप स्टार्ट जर्नल से करते थे, जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर, लेजर से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, चैलेंज क्या,
क्या होता है फाइनल अकाउंट, राइट। हम पूरा रिवर्स भी आएंगे, फाइनल अकाउंट से भी एंट्री जर्नल एंट्री खुद उल्टा भी आएंगे, सीधा भी जाएंगे, उल्टा भी जाएंगे, ठीक है। कोई भी अगर मैं आपको स्टेज दे दूं, आपको जर्नल एंट्री आने चाहिए, और अगर आपको जर्नल आ गया ना, अकाउंट्स का बेसिक वही, ठीक है, बेसिक वही है, पूरा ध्यान रखना। यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या, पहला पॉइंट, अगर आप लोग पर्सनल की जगह रियल रूल फॉलो करते हैं, रियल की जगह नॉमिनल फॉलो करते हैं, नॉमिनल की जगह रियल कर देते हैं, तो आपको रूल्स ही क्लियर नहीं है बेटा। जब तक बेसिक रूल्स क्लियर नहीं होंगे कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, तब तक आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसको ही बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन यू मिक्स अप द रूल्स, व्हेन यू मिक्स अप द रूल्स, आप पर्सनल जगह रियल, रियल की जगह नॉमिनल, नॉमिनल की जगह पर्सनल, ऐसे रूल्स फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा, बिकॉज आपके प्रिंसिपल रूल्स ही क्लियर नहीं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर ए को सैलरी पे किया, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? जा रहा है तो कौन से रूल में बैठ रहा है बेटा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? जैसे मैंने आपको कहा बेटा, बहुत से बच्चे यहाँ मिलेंगे मुझे जिनको पर्सनल, रियल, नॉमिनल समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको ये देता हूँ, मैं यहाँ पे रूल्स लिख देता हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चे आए हैं मेरे पास यहाँ पर नए, पर्सनल, प्लीज बताइए पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यस, गिव मी द रियल रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके, एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम, गेन, प्रॉफिट, बराबर है। ये तीन बेसिक रूल्स हैं बेटा। कभी भी अगर आपको जर्नल एंट्री करनी है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि पहले हमेशा ये रूल फॉलो करना चाहिए, बट मैं अगर आपको मुझसे पूछो तो मैं आपको बोलूंगा आप ये ऑर्डर में गया करो, पहले हमेशा रियल रूल सोचा करो। बिजनेस में कुछ आ रहा है क्या या बिजनेस में कुछ जा रहा है? कुछ आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। अगर कुछ खर्चा नुकसान हो रहा है तो डेबिट द एक्सपेंस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स, कुछ फायदा हुआ तो क्रेडिट करो। और अगर किसी पर्सन से लेन देन बाकी है, उधार का ट्रांजेक्शन, ठीक है, लेन देन बाकी है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वहां पे वर्ड यूज करें। तो पर्सनल मतलब क्या बेटा, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखते हैं। नाम हम कब लिखते हैं? जब किससे लेन देन बाकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अगर 100 रुपीज दूं और आपको बोलूं जाके नीचे से सेल क्लिक करो, आप जाओगे, उसको पैसा दोगे, वापस लेके आओगे, मेरे पास आपने कैडबरी लाके दिया, उसका नाम पूछा आप, क्यों पैसे दे रहे हो यार, उसका नाम नहीं पूछोगे आप उसका? तो आप क्या बोलोगे, सर पैसे दिए बात खत्म होगी? ना उसने मेरा नाम पूछा, ना मैंने उसका नाम पूछा, बात खत्म होगी। क्या नाम की जरूरत पड़ी? नहीं। नाम की जरूरत कब पड़ती है? जब उधारी रहता है। अब एक काम करो, अब वापस जाओ उसके पास, उसको बोला दो सेल के दे पैसे कल, देगा क्या? सबसे पहले पूछेगा नाम क्या, कहाँ रहते, बराबर है कि नहीं? मतलब नाम की जरूरत कब पड़ी? कहने से जब उधारी का ट्रांजेक्शन आया तब। तो वहां पे रिसीवर या गिवर, किसी पर्सन का नाम कब लिख के रखते हैं बेटा? जब जब हमें किसी पर्सन से कुछ लेन देन बाकी है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर सेट किया आपके लिए, पहले हमेशा रियल रूल चेक किया करो। कोई भी एंट्री अगर ट्रांजेक्शन देता हूँ, सबसे पहले ये चेक किया करो, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है? नहीं मिला, अगर डेबिट मिल गया, अगर यहाँ कुछ आ रहा है, ये मिल गया, क्रेडिट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्रेडिट दूसरे में सर्च। कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है क्या? अगर फायदा हो रहा है तो क्रेडिट करो, नुकसान हो रहा है तो डेबिट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंस। अगर यहाँ भी एंट्री नहीं मिल रही है, कोई रिसीवर या कोई गिवर है जिससे लेन देन बाकी हो, तो आपका वहां पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात? तो आपको डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा, एंड प्लीज मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द ऑर्डर। इसके अलावा मैंने एक और ऑर्डर सेट किया यहाँ पे, इसका एक एक्सटेंड रूल है, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर, एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। बेटा 3 से 4 दिन लगेंगे आपको मेरे हिसाब से चलने में। आप लोग 11th 12th में बहुत कुछ सीख के आए हैं, इनफैक्ट किसी किसी का अटेम्प्ट भी हुआ है, तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या सीखा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन मुझे आपके माइंड से वो सब निकालने में लग जाए, उसके बाद जो मैं सिखाऊंगा वैसे ऑर्डर में लग जाए। जो मैं ऑर्डर सिखाऊंगा बेटा, अगर आप ऑर्डर फॉलो करोगे, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल, इनकी एक एंट्री पॉसिबल नहीं है जो आपको नहीं आएगी, सब कुछ आएगा, बस यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर जो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट सब अप्रोच सिखाऊंगा, कहीं से भी जर्नल एंट्री निकालना नहीं सीखेंगे। तो फिलहाल ये एंट्री सीखते जाएंगे। तो व्हाट इज द एक्सटेंड रूल, डेबिट द डेटा, क्रेडिट द क्रेडिट। सबसे पहले मुझे डेटा क्या होता है, हु इज द डेटा, शॉर्ट में बोलूं तो जिसको हम भूलते नहीं है, बार बार याद दिलाते रहेंगे उसको, बराबर है कि नहीं? पैसे लेने ना अपने को उससे, पैसे लेने तो भूलते हैं क्या? पर नहीं, क्रेडिटर जिसको हम पैसे देने वाले हैं, वो अपने को भूलने देता नहीं, वो भूलने देगा नहीं अपने को, बार बार फोन करता रहेगा पैसे, राइट।
ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे डेटर बहुत सिंपल सा है, जिससे पैसे लेने वो मेरा डेटर, हम जिसको देने वाले वो कौन है, क्रेडिटर, राइट। तो इतने इतने बात हमको समझ में आ गई, ये रूल्स आ गए, राइट। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा कि एक नॉर्मल, अगर नॉर्मल मैंने आपको कहा कि मैंने सैलरी पे किया मिस्टर ए को, मिस्टर ए को मैं सैलरी क्यों पे करूँ, क्योंकि मेरे काम करता है वो, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिट वॉट गोज आउट, पैसा मिल, पैसा जा रहा है के बाहर, राइट। एंड डेबिट द रिसीवर, मिस्टर ए सही किया कि मैं डेबिट द रिसीवर, पैसे ले रहा है ना वो, तो बस यही प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम यही होती है। अब मुझे बताइए, मिस्टर ए को मैंने रिसीवर बना लिया, मिस्टर ए को मैंने रिसीवर बना लिया डेबिट द रिसीवर बोलकर, मतलब अगर रिसीवर हो गया मतलब वो कौन बन गया, डेटर बन गया। डेटर मतलब क्या, जिससे पैसे लेने बाकी हैं। अब एक बात होता है, जिसको आप सैलरी पे करते हो उससे पैसे वापस लेते हो, फिर आपका कुछ तो गलत हो रहा है ना बेटा। नाम कब लिखता हूँ मैं, जब उससे लेन देन बाकी है। क्या उससे कुछ लेन देन बाकी है, उसने मेरा काम किया यार, मैंने उसको पगार दिया, तो क्या उससे पैसे लेना बाकी है क्या, नहीं। तो डेबिट द रिसीवर लगाना चाहिए था क्या आपने, नहीं। आपने क्या लगाना चाहिए था, डेबिट द एक्सपेंस लगाना चाहिए था। बात समझ में आ रही है क्या, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि मैं पर्सन को डेबिट कब करता हूँ, जब वहां पर किससे लेन देन बाकी है, उससे लेन देन थोड़ी बाकी है हमारा, समझ पा रही है। तो अगेन क्या किया आपने, क्या आपने नॉमिनल रूल फॉलो करना चाहिए था, यस। क्या आपने पर्सनल का रूल फॉलो कर दिया, यस। सर ने से कहा सर डेबिट द रिसीवर है, वो रिसीव पैसे तो रिसीव हो रहा है ना उसका नाम। बेटा नाम कब लिखते हैं, जब लेन देन बाकी है, उससे बाकी है क्या पैसा लेना ना, नहीं। अगर आप किसी पर्सन के नाम को डेबिट करते हो वो कौन बन जाता है, अपना डेटर बन जाता है। डेटर मतलब उससे पैसे लेने बाकी है, देगा क्या पैसे वापस, वो उसको बोलेंगे भाई तू मेरे बुक्स में डेटर बता रहा है तो उससे पैसे लेने बाकी है, चल मेरे पैसे वापस नहीं, देगा क्या वो, नहीं। वो बोलेगा सर मैंने काम किया आपके पास, मेरी पगार है वो, डेटर थोड़ी हूँ मैं, समझ पा रहे हो ये बात। तो यहाँ पे यू हैव फॉलोड अ पर्सनल रूल इंस्टेड ऑफ नॉमिनल रूल, कि आपने गोल्डन रूल्स ही फॉलो गलत किए। जब आप रूल्स गलत फॉलो करोगे बेटा तो इसको हम कौन सी गलती बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल में, फर्स्ट सैलरी पेड डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। आपने सैलरी पे किया लेकिन आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है, कौन सा गलती है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरह दूसरी गलती रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। एक नॉर्मल रेंट पे करने की एंट्री बोलोगे क्या, पैसा आ रहा है जा रहा है तो क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे, राइट। एंड रेंट को करना है लैंडलॉर्ड, रिसीवर है वो, रेंट को क्यों, खर्चा है। मतलब रूल कौन सा फॉलो होना चाहिए, नॉमिनल फॉलो होना चाहिए। आपने अगर डेबिट द रिसीवर लगा दिया तो गलत करोगे ना। अगेन क्या ये प्रिंसिपल एरर है, आप गोल्डन रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो बराबर। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स प्रॉपरली ऑब्वियसली गलती तो है ना। तो ये कौन सी गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगेन अगर आप लैंडलॉर्ड को डेबिट करोगे, मतलब आप एंट्री क्या कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब आपने रूल कौन सा फॉलो किया, पर्सनल। अगेन लैंडलॉर्ड को डेबिट किया बेटा, अगर किसी पर्सन को डेबिट करते हैं वो कौन बन जाएगा, डेटर। क्या वो डेटर है, मांगो लैंडलॉर्ड से पैसे वापस मांगो, बोलेगा चल बिस्तर बांध, बोलिया बिस्तर बांध मैं यहाँ, बराबर है कि नहीं, समझ पा रहे हो, यहाँ से निकाल देगा आपने, है कि नहीं। रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। यस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मतलब क्या, आपने रिपेयर किया, एक नॉर्मल रिपेयर करने की एंट्री, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट वॉट गोज आउट, राइट। बैंक को या कैश को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रिपेयर्स को, क्यों, खर्चा है, एक्सपेंस है। मतलब आपने कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, नॉमिनल। आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग को, बिल्डिंग को कौन सा रूल फॉलो करते बेटा, एसेट को कौन सा रूल फॉलो करते हैं, रियल। डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट गोज ओवर, मतलब आपने छोटा सा रिपेयर का खर्चा किया, आपने मान लिया कि बिल्डिंग खरीद लिया, कौन सा रूल फॉलो किया आपने, रियल फॉलो किया, जबकि फॉलो क्या करना चाहिए था, नॉमिनल। समझ में आ रहा है, अगेन प्रिंसिपल एरर है, यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स प्रॉपरली, राइट। रेक्टिफाई कैसे करना है वो अपन देखेंगे आराम से। पहले आप समझो कि गलती हो रही है क्या, ये तो समझ में आना चाहिए, गलती हो रही है तो अपनी गलती मानेंगे, उसके बाद सुधारेंगे ना। जब तक हमें पता नहीं चलता है गलती क्या है, हम सुधारेंगे क्या। पॉइंट नंबर 4, डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट।
बेटा मैंने एक फ्लोर ऊपर बना दिया, 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी मैंने उसको 5 फ्लोर कर दिया, एक बिल्डिंग ऊपर एक फ्लोर बना दिया, तो ये फ्लोर बनाने के 10 लाख रुपए खर्चा आ गया। तो कहना है सही, मैंने बिल्डिंग परचेस किया है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, तो डेबिट किसको होना चाहिए था? बिल्डिंग को, एसेट परचेस किया ना मैंने, एसेट कंस्ट्रक्ट किया राइट, तो एसेट का आना चाहिए था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू कैश। आपने बोल दिया सर आपने पिछली बार रिपेयर बोला था हमको, हमने रिपेयर डाल दिया उसमें, सही क्या है क्या? अगेन प्लीज बताइए आपने कौन सा रूल फॉलो किया? नॉमिनल, एक्चुअल में करना क्या चाहिए था? रियल, समझ पा रहे हो? अगेन प्रिंसिपल एरर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या अभी फोर्थ में क्या आना चाहिए था प्लीज बताओ? फोर्थ में आपने किस एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए? फोर्थ में बिल्डिंग टू कैश आपने क्या लिख दिया? रिपेयर्स, गलत किया ना आपने। हाँ तो बस एक ही पॉइंट आएगा क्या बेटा? रेंट कहाँ से है, रिपेयर्स की बात चल रही है? नहीं नहीं कहाँ, रेक्टिफिकेशन एंट्री बोल रहे हो या सही एंट्री बोल रहे हो, गलत एंट्री, आप क्या बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर थर्ड और फोर्थ को मिक्स मत करो, मैं सिर्फ फोर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप क्या बोल रहे हो, थर्ड भी करो फोर्थ भी करो, दोनों को अलग अलग रखो ना, ठीक है? मिक्सिंग हम देखेंगे बाद में, एक एक से एक आइटम, एक से एक नमूने मिलने वाले अपने को एंट्री, जब अपन एंट्री करेंगे ना तो वो एरर्स आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे कि ऐसे अकाउंटेंट को मन करेगा बैट उठाना और शुरू कर देना। चलो फिफ्थ पॉइंट, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा बेटा, आप तो उनको सुधारोगे, ऐसे ऐसे गलतियां मिलने वाली अपने को शीट, ठीक है? ऐसे ऐसी गलतियां मिलने वाली अपने। पॉइंट नंबर 5, परचेज ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन परचेज, यस, एक नॉर्मल फर्नीचर परचेज करने की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर टू कैश, आपने लिख दिया परचेज टू कैश, फर्नीचर परचेज हुआ है ना, तो परचेज लिख दिया आपने, सही किया क्या? ऐसे कैसे परचेस हो रहा है ना, तो फिर परचेस तो हो रहा है ना क्या? यस, ये जो परचेज वर्ड यूज करते हैं बेटा वो गुड्स के लिए किया जाता है। गुड्स मतलब क्या? इन विच अ बिजनेस डील, जिसमें अपन व्यवहार करते हैं ना वो मेरे लिए बिजनेस है, वो मेरे लिए परचेज है, मतलब वो गुड्स है, समझ पा रहे हो ये बात? तो यहाँ पे व्हेनेवर वी परचेज और सेल गुड्स एट दैट टाइम ओनली वी कैन यूज द वर्ड परचेज और सेल, समझ पा रहे हो ये बात? अगेन यहाँ पे अगर आप एसेट परचेज करोगे, एसेट, तो वो आपने एसेट को लिखना चाहिए, आपने परचेज वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज परचेज सेल हम कब यूज कर सकते हैं वर्ड? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, वी कैन नॉट यूज देम फॉर एसेट, समझ पा रहे हो ये बात? तो अगेन जब हम एसेट परचेज करते हैं हम एंट्री कौन सी करेंगे, मतलब रूल कौन सा फॉलो करेंगे? कहने से रियल, परचेज कौन सा फॉलो करता है, मतलब रियल की जगह रियल, परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, खर्चा है ना आपका परचेज, जब आप गुड्स खरीदते हो तो खर्चा करते हो, सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स आपके लिए क्या इनकम है, मतलब परचेज सेल कौन सा रूल फॉलो करते हैं बेटा आपके लिए? नॉमिनल रूल फॉलो करते हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है? परचेज और सेल कौन सा रूल फॉलो करते हैं? नॉमिनल। अगेन मैं बात कर रहा हूँ एरर ऑफ प्रिंसिपल की, एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि आपने पर्सन से अगर रियल, रियल की जगह नॉमिनल माना, राइट? अगेन आपने एसेट परचेज किया तो आपने कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए था? रियल। आपने कौन सा रूल फॉलो कर दिया? नॉमिनल। बात समझ पा रहे हो? तो अगर जब आप ऐसे गलतियां करते हो, जब आप रूल्स ही फॉलो नहीं करते हो बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पॉइंट नंबर 6, सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सेल, यस, सेल ऑफ फर्नीचर इंक्लूडेड इन सेल, प्लीज बताइए क्या हुआ? आपने जब फर्नीचर बेचा तो पैसा आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, एंट्री बोल, पैसा आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ऐसी एंट्री होनी चाहिए, दोनों में अपने रियल रूल फॉलो करना चाहिए, राइट? आपने कर दिया सेल, सही क्या क्या बेटा? सेल हम क्या यूज कर सकते हैं? व्हेन वी कैन यूज द वर्ड सेल? व्हेन इट इज गुड्स, आपने गुड्स बेचा क्या? नहीं, आपने क्या बेचा? फर्नीचर बेचा, मतलब एसेट बेचा, राइट? अगेन आपने फॉलो करना चाहिए रियल रूल, आपने फॉलो कर दिया नॉमिनल रूल, क्रेडिट द इनकम गेन और प्रॉफिट, राइट? गलत किया ना आपने, तो ये गलत जो गलती हुई, क्या नहीं सही, एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा आपका, यस। 7th पॉइंट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी
डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। जब आप इंस्टॉल करते हो मशीनरी तो आपको ये बात समझ में आती है क्या, कि जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो खरीदने के बाद जब तक वो मेरे पास रेडी नहीं होती मशीनरी यूज करने के लिए, तब तक के सारे खर्चे हमने मशीनरी को ऐड करने चाहिए, इन शॉर्ट कॉस्ट में ऐड करने चाहिए। मान लेते हैं मैंने मुंबई से एक मशीनरी खरीदा 10 लाख, वहां से यहाँ लाने में 1 लाख रुपए का खर्चा लगा, तो मेरी मशीनरी कितने की? तो आप ये बोलोगे कि ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट, नहीं आप बोलोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 11 लाख। समझ पा रहे हो ये बात? अगेन मैंने यहाँ पे वो मशीनरी न्यू थी, मैंने दो बंदों को बुलाया, उन्होंने इंस्टॉल करके दिया, मुझसे 50,000 रुपये लेके गए, राइट। तो अगेन ये क्या ये वेजेस है? नहीं, एक्चुअल में क्या ये कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था? मैं बोलूंगा मेरी मशीनरी 11.5 लाख रुपये, मैंने एंट्री करनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 11,50,000। समझ पा रहे हो ये बात? लेकिन आपने क्या बता दिया? वेजेस अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस। आपने रूल कौन सा फॉलो करना चाहिए? मशीनरी को कौन सा रूल फॉलो होता है? रियल आपने कौन सा फॉलो कर लिया? नॉर्मल आपने बता दिया वेजेस अकाउंट डेबिट, गलत किया ना, राइट। गलती समझ में आ रही है बेटा? आपने कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए था? रियल। आपने कौन सा फॉलो किया? नॉमिनल। द एरर इज ऑफ प्रिंसिपल इज द पॉइंट क्लियर। सुधारना कैसे ये बाद में देखेंगे, आपको ये गलतियां समझ में आ रही है कि बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स, जहां समझ में आया वहां डाल देते हैं। ये रूल्स बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक ऑर्डर कैसे किया है, सबसे पहले आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? रियल। हमेशा जब भी कोई ट्रांजेक्शन में अटक जाओ ना आप, तो हमेशा सोचना बिजनेस में कुछ आ रहा है या बिजनेस में कुछ जा रहा है, कुछ खर्चा है या कुछ फायदा है क्या। अगर यहाँ भी एंट्री नहीं मिली डेबिट क्रेडिट में तो ऊपर जाना, कोई रिसीवर या कोई गिवर है क्या, आपको आंसर जरूर मिले। पॉइंट क्लियर है सबसे? यस। तो दिस वॉज एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको सुधारने का तरीका मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ, याद है किसी को? यस, एरर ऑफ ओमिशन। मैं वहां पे आने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, एक प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस, क्या सबने बनाया एक बार जर्नल? 11 में सबने सीखा है। जर्नल के बाद क्या बनता है बेटा? लेजर, और लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट, बराबर ऐसे ही बनता है ना। क्या हमको स्टार्टिंग में ये सिखाया गया ट्रायल बैलेंस टैली करना बहुत जरूरी होता है? ट्रायल बैलेंस टैली करना बहुत जरूरी होता है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली में मतलब समझ जाना अपनी कोई गलती है, ऐसे सिखाया गया था। और जब गलती होती है, जब ये ट्रायल बैलेंस मेरा टैली नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन गलत है? नहीं, हमने तो कुछ गलती की, मतलब यहां तक पहुंचने में हमने कुछ गड़बड़ की, ये बात समझ में आती है? समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर 1000 है, यहां पर 1200 है, और यहां पर 1800 है, टोटल कितना होगा? 4000। और यहां पर अगर मैं आपको बोलूं 1200 है और 2000 है, टोटल कितना हो गया? 3200। टैली हो रहा है क्या? मतलब ये बात तो कंफर्म है ना कि बॉस गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। दैट मीन्स आपने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट नहीं किया, ये बात समझ पा रहे? मतलब हमसे गलती हुई है, ये बात समझने वाले हो। अब गलती हो सकता है कि मैंने ट्रायल बैलेंस को आइटम लिखना भूल गया, या फिर लेजर में कुछ गड़बड़ हो गई, पॉसिबल। लेकिन जर्नल की गलती नॉर्मली ट्रायल बैलेंस को फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल की बात करूँ, सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि गलती फर्क कहाँ पड़ेगा, एंड वेन टू यूज द वर्ड सस्पेंड। अभी प्लीज बताइए ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या? दैट मीन्स आपने जबरदस्ती टैली करने की कोशिश किया होगा इसको। अच्छा टैली नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे क्या? नहीं ऐसा सर, टैली नहीं हो रहा हम बिजनेस बंद कर देंगे, अभी आगे बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक टैली नहीं होगा बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, गलती अपनी जगह है, बुक चलते रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा ना। मतलब मैं ये गलती को छोड़ के आगे बढ़ूंगा, राइट, मैं बिजनेस करता रहूंगा, जब गलती मिलेगी तब एंट्री कर दूंगा। तो फिलहाल जबरदस्ती टैली करने के लिए मैंने यहाँ पे 800 लिखा होगा, और मैंने वो कहाँ डाला होगा? सस्पेंस, बराबर। अब जाके टैली हो गया, चलो फिलहाल टैली हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगला साल, फिर अगले साल जब गलती याद आएगी तब हटा देंगे। सस्पेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉस की गलती हुई है लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आ रही, सही है। हमारा काम क्या है? कहने से वो सस्पेंस को निल करना हमारा काम है। सस्पेंस निल हो गया मतलब कहने से हम बहुत हद तक सही हो गए। सस्पेंस निल मतलब क्या? देर इज नो एरर। अगर सस्पेंस अकाउंट है मतलब क्या? देर इज एन एरर। मैं समझ में आ रही, राइट। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जब मैंने आपको पहली एंट्री पूछा यहाँ पे रेंट वाली और रेंट और इसकी सैलरी की, राइट, मैंने आपसे पूछा कि अगर आप सैलरी की एंट्री करते हैं, सैलरी की, तो आप सैलरी की क्या एंट्री करते? सैलरी टू कैश, बराबर। मैं बहुत बेसिक लेके जा रहा हूँ बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ये 2-3 दिन मैं आपको स्लो लेके जाऊंगा। द रीजन इज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मोस्ट निग्लेक्टेड बाय द स्टूडेंट। ये चैप्टर निग्लेक्ट करने वाला नहीं है,
ठीक है। यस, सैलरी टू कैश, क्या इसकी लेजर पोस्टिंग भी आती है आप? प्लीज बताइए इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। सैलरी के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश, और कैश अकाउंट के वुड यू माइंड आई विल राइट बैंक, चलेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक के क्रेडिट में बाय सैलरी, मान लेते हैं 1000 1000, बराबर। ये स्टेप जो हमने किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, राइट। इसके बाद क्या होता है? लेजर बैलेंसिंग होता है। बैलेंस मतलब क्या? हम यहाँ पे टोटल करते हैं, राइट, टोटल करते हैं ना, और फिर हम यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 1000। प्लीज बताइए कौन सा बैलेंस है? किस माइंड में आ रहा है सर? क्रेडिट बैलेंस है? नहीं, ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? विच एवर साइड इज मोर उसका बैलेंस है, समझ में आ रहा है। और फिर ये बैलेंस यहाँ पर आएगा, और आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखोगे? 1000। सेम उसी तरह मैं यहाँ का टोटल करूंगा 1000। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 1000। ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1000। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? इसके बाद अमन बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता है ब्रॉट डाउन बैलेंस के साथ। ट्रायल बैलेंस किसके साथ बनता है? ब्रॉट डाउन बैलेंस के साथ। तो प्लीज बताइए ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा? सैलरी आएगा डेबिट में, कितना? 1000। और बैंक आएगा, कितना? 1000। टैली हो रहा है क्या? अपना एम था ट्रायल बैलेंस टैली करके आना, बराबर। अब मुझे एक बात हो, आपने गलती की, आपने सैलरी पे की मिस्टर ए को, आपने सैलरी पे की मिस्टर ए को, और आपने मिस्टर ए का नाम लिख दिया वहां कि डेबिट द रिसीवर है। दैट मीन्स आपने सैलरी की जगह मिस्टर ए का नाम लिख दिया, राइट। प्लीज इस पे जिसको बेसिक्स क्लियर नहीं ना, प्लीज थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। यस, मिस्टर ए को डेबिट कर दिया, दैट मीन्स आप सैलरी की जगह मिस्टर ए के अकाउंट में चले गए, और आपने सैलरी की जगह मिस्टर ए लिख दिया, बराबर ना। ऐसे ही हुआ कुछ? क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है? क्या ट्रायल बैलेंस आज भी टैली हो रहा है? मतलब ये गलती हुई है, ये ट्रायल बैलेंस बताएगा क्या? ट्रायल बैलेंस कब बताएगा? जब टैली नहीं हुआ। टैली नहीं हुआ तो हम सबसे पहले पकड़ते बॉस उसको गड़बड़ कर, लेकिन टैली हुआ तो अपन तो एकदम फ्री रहते ना। अरे टैली हुआ मतलब अपने सही किया, सही हुआ है क्या? नहीं। मुझे सिर्फ एक बात होती है, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट हुआ क्या? नहीं। क्या सस्पेंस अकाउंट कभी भी यूज कर सकते हैं क्या? सस्पेंस नहीं। क्यों? टैली हुआ था ना, जब टैली नहीं हुआ तब सस्पेंस की बात आएगी ना, समझ पा रहे हो ये बात? क्या ये अकाउंट टैली हुआ था? अकाउंट टैली हुआ था, मतलब सस्पेंस वर्ड कभी भी यूज किया गया आपने, तो रेक्टिफाई करने के लिए वापस सस्पेंस यूज कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, समझ पा रहे हो ये बात? यहाँ पर व्हेन वी कैन यूज द सस्पेंस इज द बिगेस्ट टारगेट फॉर द स्टूडेंट। सर सस्पेंस कब यूज करना यही नहीं समझ में आता है बेटा। सस्पेंस हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं हो। क्या ट्रायल बैलेंस टैली था? ट्रायल बैलेंस टैली था? कभी भी आपने आज तक सस्पेंस वर्ड यूज किया क्या? नहीं। तो फिर मैं रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस कैसे यूज करूं? समझ पा रहे बात? तो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल पे मैं क्या लिख रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस विल अग्री, बराबर है। कैन बी यूज सस्पेंस अकाउंट? नो सस्पेंस टू बी यूज। बेटा ये गलती हुई है आपसे, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस से फर्क पड़ा क्या? क्या ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा आपसे? नहीं। आपने डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट करना चाहिए था, सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। आपने किसको डेबिट किया? मिस्टर ए को। लेकिन डेबिट की जगह डेबिट ही किया ना। क्या आपने क्रेडिट किया क्या? नहीं। अमाउंट की गड़बड़ की क्या? नहीं। डेबिट करना चाहिए था आपने, बराबर डेबिट किया। डेबिट करना चाहिए था आपने, बराबर डेबिट किया, बस किसी और के अकाउंट में डाल दिया आपने। तो जब हम किसी और के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं ना, मतलब रूल फॉलो नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्लीज बताइए विल दिस एरर बी रिफ्लेक्टेड थ्रू ट्रायल बैलेंस? नो। क्यों? क्योंकि टैली था, हम तो खुशियां मना रहे थे कि बस सर टैली हो गया, हम सही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% सही। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे ये गलती कभी भी आपको आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। लॉजिक क्लियर है यहाँ पर? पक्का? चलिए सेकेंड पॉइंट, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, अब इसके अंदर दो टाइप के एरर आते हैं, एक है पार्शियल, या फिर इसको पहले कंप्लीट लिखते हैं, एक है कंप्लीट ओमिशन और एक है पार्शियल ओमिशन। सबसे पहले तो मुझे बताइए ओमिशन का मतलब क्या होगा बेटा? भूल जाना। ओमिशन मतलब भूल जाना, अपन भूल गए पूरी तरह, कुछ याद ही नहीं रहा आपने, ठीक है। एक होता है पूरी तरह भूल जाना, और एक होता है आधा अधूरा भूलना।
आप लोग अपने आप को कहाँ जज करोगे, आधा बोलते पूरा बोलते हैं, पूरा बोल जाते हैं, वेरी गुड, सबसे पहले वहां से आवाज है। ओके, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट मतलब पूरी तरह भूल जाना, पार्शियल मतलब क्या, आधा अधूरा भूल, ठीक है बेटा। कंप्लीट में क्या आपने किसी को भी डेबिट किया, क्या आपने किसी को भी क्रेडिट किया, नहीं। तो सुधारने के लिए हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री, हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री, पूरी एंट्री अभी कर लो, पूरी एंट्री अभी कर लो। जैसे मैं परचेस की एंट्री करना ही भूल गया, परचेस की एंट्री करना भूल गया, तो अब क्या करूँ, जब याद आएगा परचेस की एंट्री कर लूंगा ना, समझ पा रहे हो। अब याद आएगा कैसे, याद कैसे आएगा, मेरा ट्रायल बैलेंस ना मैंने डेबिट किया ना मैंने क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस सैली हुआ था। हाँ देखो, ट्रायल बैलेंस सैली कब नहीं होता, प्लीज एक बात, अपना अकाउंट चलता है ड्यूअल एस्पेक्ट पे। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब क्या, डबल एंट्री, डबल एंट्री मतलब क्या, फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी अ क्रेडिट, मतलब आपने डेबिट किया क्रेडिट भी किया तो टैली होना है, आपने डेबिट भी नहीं किया क्रेडिट भी नहीं किया फिर भी टैली होना है। तो क्या ये ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मुझे मालूम कैसे पड़ेगा, मैं परचेस की एंट्री भूल गया, कहाँ लिखा होगा क्या, हाँ नो एंट्री पास बेटा। अब मुझे एक बात, चलो अगर कोई एग्जामिनर कोई आपको दे देगा कि परचेस की एंट्री करना भूल गया तो आप एंट्री कर लो, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सेंस में कब मालूम पड़ेगा आपको कि हम एंट्री करना सच में भूल गया, पैसे कम ना। ओके चलो एक काम करते, मैंने उधारी पे परचेस किया आपसे, बराबर, मैं उधारी पे परचेस किया आपसे, मैं बैठा आराम से शांति से मस्त, एंट्री करना भूल गया ना, एक महीने बाद सामने से फोन आया पैसे निकाल, मैंने कहा भाई आई काई के पैसे क्यों मांग रहे हैं, पैसे मैं क्यों दूँ, फिर वो याद दिलाएगा एक एक दिन, याद है क्या उस दिन आया था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हाँ जब मैं बैठा था ये बंदा भी बैठा था, फिर थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू होता, अरे हाँ हाँ बराबर बराबर, तो क्या करूँ, एंट्री करूँ, फिर तब एंट्री करोगे ना, बाद में करोगे ना। तो एनीवेज, कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या, आपने कभी डेबिट किया नहीं, कभी आपने क्रेडिट किया नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, इसका मतलब टैली हो रहा है, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री, बराबर, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, कैन यू यूज सस्पेंस, देन नो सस्पेंस टू बी यूज, रिगार्डिंग दिस पॉइंट, मैं सस्पेंस क्यों यूज करूं यार, जब टैली हो रहा है, सस्पेंस आप कब यूज कर सकते हैं, जब वो टैली नहीं हुआ, दैट मीन्स आपने डेबिट और क्रेडिट में कुछ प्रॉब्लम दिया, तब आप टैली नहीं कर, तब आप सस्पेंस यूज कर, रिगार्डिंग दिस पॉइंट। पार्शियल, व्हाट डू मीन बाय पार्शियल, दैट मीन्स आइडली द एरर इज मेड इन लेजर, एरर कहाँ हुआ है, लेजर में हुआ, जर्नल में ये एरर्स नहीं मिलते हैं आपको, आइडली, मैंने आइडली कहा, हमेशा ऐसा होगा ऐसा, ऐसा नहीं, एरर इज मेड इन लेजर आइडली। ओके तो यहाँ पे प्लीज बताइए, ट्रायल बैलेंस चालू होगा या नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, कैन आई यूज सस्पेंस, मतलब इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज द वर्ड सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, वाई विल आई यूज सस्पेंस। तो पहले एक काम करता है, भाई एक नॉर्मल परचेस की एंट्री करता है, क्या परचेस की एंट्री करना सबको आती है, परचेस टू क्रेडिटर, बराबर है क्या, राइट, अमाउंट है 2000 2000, प्लीज इसकी पोस्टिंग बताइए, मतलब परचेस के डेबिट में क्या लिखेंगे, बन टू क्रेडिटर कितना 2000 और क्रेडिटर के बाय परचेस 2000, क्या ये पोस्टिंग इतनी सबको आती है बेटा, इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतनी थोड़ी रेगुलर पोस्टिंग को करी लोगे, ठीक है, रेगुलर रेगुलर जर्नल रेगुलर लेजर, बहुत ज़्यादा एडवांस एंट्री नहीं, बहुत कॉमन एंट्री, इतना पोस्टिंग सबको आता है, राइट। इसके बाद आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो बेटा, और ट्रायल बैलेंस में आप यहाँ लिखते हो परचेस कितना 2000 और क्रेडिटर कितना 2000, क्या यहाँ तक सब टैली हो रहा था, क्या यहाँ तक सब टैली हो रहा था, मतलब यहाँ तक सब सही चल रहा है क्या, अपना सब सही चल रहा है, कोई गलती नहीं हुई अपने, सब सही चल रहा है, प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने परचेज अकाउंट बनाया, टू क्रेडिट लिखा, इतने में बजा फोन, तो हम फोन कहाँ छोड़ते, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने लिए, राइट, बाकी सब चीज़ छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, फोन को अटेंड करना जरूरी हो जाता है, तो फोन अटेंड किया, आगे की एंट्री भूल गया, फिर अपन नेक्स्ट एंट्री पे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री की पोस्टिंग, प्लीज बताइए आपने कौन सा इफेक्ट किया, डेबिट क्रेडिट किया क्या,
जब डेबिट करोगे और क्रेडिट नहीं करोगे तो अकाउंट्स तो बोलेगा ना भाई, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, जितना डेबिट करोगे उतना क्रेडिट करना भी है, राइट। तो फिर आपने क्या किया, परचेस चैली किया, परचेस के अकाउंट में 2000 लिखे, लेकिन क्रेडिट में तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्रेडिट आ रहा है क्या, कुछ नहीं, टैली होगा क्या। फिर आपने जबरदस्ती टैली करने की कोशिश की होगी, और जबरदस्ती टैली करने के लिए क्या किया होगा आपने, आपने सस्पेंस यूज किया होगा, कितना, 2000 का, समझ पा रहे हो। क्या आपने इसको जबरदस्ती टैली करने के लिए सस्पेंस यूज किया, हाँ, तो फिर रेक्टिफाई करने के लिए वो सस्पेंस हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा ना, दैट मीन्स वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, समझ पा रहे हो ये बात, राइट। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सबसे पहले आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, कब सस्पेंस यूज कर, समझ में आया, पार्शियल और कंप्लीट ओमिशन क्या रहता है। नेक्स्ट, इतना लिख रहे हो आप सब, नेक्स्ट एरर, एरर ऑफ कमीशन, चार एरर, एरर ऑफ कमीशन, व्हाट डू मीन बाय एरर ऑफ कमीशन, जो नॉर्मली अपने से गलती होती ना, बहुत अपने से जो होती है वो, जैसे रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, ये जो गलती होती है, लिखना था 2456 अपने लिख दिया 2546, होती है ना अपने से बहुत बार गलती, होता है, कॉमन मिस्टेक है, राइट, गलत अमाउंट लिख दे, क्लेरिकल एरर जिसको हम बोलते हैं, गलत अकाउंट में जाना था, ए के अकाउंट में अपन चले गए बी के अकाउंट, ठीक है, जाना था हरी के अकाउंट में अपन चले गए हरीश के अकाउंट, होता है ना बहुत बार ऐसा, सेम सेम सिमिलर नाम की वजह से हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, जाना था डेबिट साइड में आप चले गए क्रेडिट साइड, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, ठीक है, होता है अपने से बहुत बार, डेबिट में एंट्री करनी थी अपने क्रेडिट में कर दी, लिखना था 2456 आपने लिख दिया 2546, लिखना था हरी के अकाउंट में आपने लिख दिया हरीश के अकाउंट, गड़बड़ हो गई सबसे, राइट। जनरली अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप ट्रायल बैलेंस टैली कर पाओगे अगर आप गलत अमाउंट लिखोगे, नहीं, अगर आप डेबिट की जगह गए, आप डेबिट की जगह क्रेडिट में चले गए तो टैली कर पाओगे, नहीं, समझ पा रहे ये बात। तो जनरली ट्रायल बैलेंस विल वोंट अग्री, या ट्रायल बैलेंस वोंट अग्री, विल नॉट अग्री, जस्ट वन सेकेंड, यस, लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे सुनिए मेरी बात, जब आप गलत साइड में लिख देते हो, गलत अकाउंट में लिख देते हो, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या, नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जब तक एक इमेज क्रिएट नहीं होती ना बेटा अपने सामने, तो वो गलती अपन सुधार नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा पहले मैं फोकस करूंगा कि गलती कहाँ हुई वो पहचानो, सुधारना बहुत आसान है, पहले मालूम पड़ना चाहिए गलती कहाँ हुई, राइट। अगेन, अगर मैंने एक एंट्री किया परचेस टू क्रेडिटर 2456, ठीक है, क्या यहाँ तक सही किया, ओके। अब मैं आपको तीनों गलती बताता हूँ इसके अंदर, परचेस और ये क्रेडिटर, आपने एंट्री कहाँ करनी चाहिए, यहाँ पे टू क्रेडिटर कितना, और यहाँ पे बाय परचेस कितना, क्या यहाँ तक टैली हो रहा है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा इसके बाद, और मैं यहाँ लिखूंगा परचेस कितना 2456 और क्रेडिटर कितना 2456, क्या यहाँ तक सब टैली हो रहा है बेटा, यहाँ तक सब टैली हो रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, जब आप क्रेडिट अकाउंट में गए ना, आपने यहाँ लिख दिया 2546, रॉन्ग अमाउंट, प्लीज बताइए क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा, नहीं होगा, क्या जबरदस्ती टैली करने के लिए आप सस्पेंस पर यूज करोगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए वापस सस्पेंस यूज करना पड़ेगा ना, एम क्या है चैप्टर का, सस्पेंस हटाना मतलब सस्पेंस यूज करके आप निकालोगे, अगर आप यहाँ सस्पेंस लिखोगे तब जाके टैली होगा ना बेटा यहाँ पे, ये समझ पा रहे हो ये बात, दैट मीन्स हैव यू यूज सस्पेंस वर्ड, यस, सस्पेंस यूज किया तो सस्पेंस यूज करके आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये बात समझ पा रहे हो, राइट। उसके बाद गलत साइड में परचेस के डेबिट में गए, आप परचेस के डेबिट में गए और क्रेडिटर के भी डेबिट में आपने लिख दिया यहाँ 2456, प्लीज बताइए इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, दोनों डेबिट कर दिया आपने, क्रेडिट में कुछ लिखा क्या, नहीं, तो अगेन सस्पेंस आएगा वहां पे,
सस्पेंस आएगा वहां पे, जबरदस्ती टैली करोगे ना आप, समझ पा रहे हो ये बात। रॉन्ग साइड अगेन, रॉन्ग अकाउंट, किसी एक हरीश के अकाउंट में लिखना था, हरी के अकाउंट में चले गए, नाम सेम था, सही आपने टैली वो टाइम पे टैली हो जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा जनरली टैली नहीं होता, एक आध बार टैली हो भी सकता है, बट एनी वेज यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट या फिर रॉन्ग अकाउंट या फिर रॉन्ग साइड, जब आप ऐसी गलतियां करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। जनरली टैली में टैली होगा क्या, नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज सस्पेंस, यूज सस्पेंस अगेन। रॉन्ग साइड अपने पिछले चैप्टर में बात हुई है, क्या डबल अमाउंट हो जाता है, रॉन्ग साइड जब आप डेबिट की जगह क्रेडिट में चले जाओगे, सीधी बात है रेक्टिफिकेशन में आपको डबल अमाउंट करना। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? यस ओके। जिसको कोई क्वेरी रहेगी ना बेटा, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल एक्सप्लेन। यूट्यूब स्टूडेंट्स आप भी। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, एरर ऑफ या फिर कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेट करना मतलब क्या, भरपाई करना। कॉम्पेंसेट करना मतलब क्या, भरपाई कर। तो यहां पे टू और मोर एरर, हाइडेड बाय ईच अदर, एक दूसरे की गलती छुपा दिया उन्होंने, क्या ट्रायल बैलेंस चालू हो गया? यस, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस विल अग्री, नो सस्पेंस, नो यूज ऑफ सस्पेंस, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए भी आप सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करो। टू और मोर एरर हाइडेड बाई ईच, जैसे एक एंट्री बताना बेटा मैं, प्लीज मुझे एक नॉर्मल परचेस की एंट्री बताइए, उधारी की, परचेस टू क्रेडिटर, अमाउंट है 2000 2000, ठीक है, और एक नॉर्मल सेल की एंट्री बताओ, डेटर टू सेल, अमाउंट लिखते हैं, मान लेते हैं 3000, ठीक है, अमाउंट मैंने 3000 लिखा, क्या हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं बेटा? लेजर पोस्टिंग ये, प्लीज बताइए परचेस के कौन से साइड में, अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बराबर। उसके बाद आप क्या करोगे, डेटर के डेबिट में लिखोगे 3000 और सेल्स के क्रेडिट में कितना लिखोगे, 3000, इतना सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या यहाँ तक सब सही चल रहा है? अब देखो गड़बड़ क्या हुई, मैंने यहाँ पे 2000 की जगह 1000 लिख दिया और यहाँ पे 3000 की जगह 2000 लिख दिया, क्या ये सब सही चल रहा है क्या? नहीं, गड़बड़ तो हो रही है, राइट, गड़बड़ हो रही है। चलो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्लीज बताइए ट्रायल बैलेंस में परचेस यहाँ पर आएगा कितना, 2000, डेटर कितना 2000, क्रेडिटर क्रेडिट में आएगा कितना 1000 और सेल्स आएगा कितना 3000, क्या अभी भी टैली हो रहा है? टैली हो गया, टैली तो हो रहा है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, कितनी गलतियाँ हैं यहाँ पर, दो, देर आर टू और मोर एरर्स, लेकिन वो एक दूसरे को छुपा रहे हैं, क्या एक दूसरे को हाइड कर दिया उन्होंने? डेटर और क्रेडिटर दोनों अमाउंट में गलती है ना 1000 1000 रुपये की, दोनों में सेम अमाउंट की गलती होने की वजह से ये टैली हो गया, क्या मैंने सस्पेंस यूज किया? तो रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस यूज करेंगे क्या? नहीं। एनीवेज मैं आपको ये सिखा रहा था कि हम यहाँ पे सस्पेंस यूज नहीं करें, समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैंने सस्पेंस कब कब यूज करना चाहिए, प्लीज बताओ। दो ही एरर, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जब मैं आधी अधूरी एंट्री बोलता हूँ तब, या फिर एरर ऑफ कमीशन जब मैं गलत साइड, गलत अकाउंट या गलत अमाउंट लिखता हूँ तब मैं सस्पेंस यूज कर सकता हूँ। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आया, राइट? सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर, प्लीज बताइए फोर टाइप्स ऑफ एरर कौन से थे? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन है दो पार्ट से, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट मतलब बहुत आसान, कंप्लीट मतलब बहुत आसान, आपने पूरी एंट्री नहीं की, अभी पूरी एंट्री कर दो, जो सही एक्चुअल में एंट्री ना वो एंट्री कर, ठीक है? ओके, सबको समझ में आया ये? चल, व्हेन कैन आई यूज द सस्पेंस, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है, आप लिख लो। सबको समझ में आया चार पॉइंट्स ये बेटा? मेन, अगेन इसके अंदर मेन चीज क्या रहती है,
रेक्टिफाई करना ना बहुत आसान लगता है बच्चों। आप बोलोगे सर नहीं हमको नहीं लगता, मैं बोल रहा हूँ आसान लगेगा। मेन चीज़ क्या है पता है क्या मेन चीज़, मैं बार बार ये बता रहा हूँ गलती कहाँ पर ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो स्ट्रगल करते हैं वो यही है, सर गलती कहाँ पर हो रही है वही नहीं मालूम पड़ता। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना चाहूँगा कि गलती पहचानते क्या, ठीक है। अब एरर कहाँ कहाँ हो सकता है, व्हेन कैन देयर बी एन एरर, एरर कहाँ हो सकता है, क्या आप जर्नल में एरर कर सकते हो, यस, क्या आप लेजर एंट्री लेजर पोस्टिंग एंड एरर कर सकते हो, क्या ट्रायल बैलेंस बनाते बनाते एरर कर सकते हो, यस, क्या फाइनल अकाउंट बनाते बनाते एरर कर सकते हो, वेल द आंसर इज गलती हर स्टेज में हो सकती है, गलती हर स्टेज में हो सकती है, यस और नो। जब गलती हर स्टेज में होती है तो हर हर एक का रेक्टिफिकेशन तरीका अलग अलग हो जाता है, हर एक का रेक्टिफिकेशन का तरीका अलग अलग हो जाता है, राइट। अब मैं आपको पहले बेसिक रूल सिखाना चाहूँगा, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जहाँ से आप एंट्री फटाफट कर पाओ, ठीक है। ये रूल्स मैं हर बैच में सिखाता हूँ, तो बच्चों को आते भी होंगे, कुछ को नहीं भी आते होंगे, प्लीज ये जरूर फॉलो करें, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट डू मीन बाय अ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सबसे पहले डेबिट बैलेंस बोलते किसको है, तो कैन आई से जब मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है उसको मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूँ। डेबिट बैलेंस क्या सिग्निफाई करता है, एन एक्सपेंस और एन एसेट, और क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाइज एन इनकम और लाइबिलिटी। मतलब अगर वो डेबिट बैलेंस है तो या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी। अब सबसे पहले डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये आपका ए का अकाउंट है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2000 है, प्लीज बताइए टोटल कौन से साइड का ज्यादा है, 7000। तो आप यहाँ पे बैलेंस कितना लिखते हो, 5। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस, ये किसका है, डेबिट बैलेंस। अब आप ही बताइए बेटा ये डेबिट बैलेंस है तो ये क्या हो सकता है, या तो एक्सपेंस हो सकता है या तो एसेट। अब मिस्टर ए एक्सपेंस हो सकता है, तो मिस्टर ए क्या रहा होगा, एसेट, एसेट मतलब कहने से ही इज अ डेटर टू, समझ में आ रहा है, एसेट तो क्या है वो, इंसान डेटर है। अच्छा अगर मैं ये बता दूं ये सैलरी है तो सैलरी एसेट हो सकता है क्या, नहीं, ये क्या रहा होगा, एक्सपेंस रहा होगा, समझ पा रहे ये बात। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि वेदर इट इज एन एक्सपेंस और एन एसेट, क्लियर है, ओके। अगर मैं आपको बोलूँ ये मेरा मिस्टर बी का अकाउंट है, यहाँ पे 8000 बैलेंस है और यहाँ पे 2000 बैलेंस है, यहाँ पे 4000 बैलेंस है, प्लीज़ बताइए टोटल कौन साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कितना है, 10000 और यहाँ पे 10000, बैलेंस कितना आ रहा है यहाँ, 6000, अगेन ये 6000 यहाँ पर आएगा, इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, क्योंकि बैलेंस ब्रॉड डाउन जो साइड पर आता है उस साइड का बैलेंस माना जाए, राइट। अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये 6000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है, अब बताइए क्या रहा होगा, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। अब मिस्टर भी इनकम हो सकता है, तो मिस्टर भी क्या रहा होगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या, ही मस्ट बी अ क्रेडिटर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेंट, तो ये इनकम है, आप बोलोगे सर रेंट पे एक्सपेंस होता है, बेटा रिसीव भी तो हो सकता है ना, रिसीव हो सकता है ना, अच्छा डिविडेंड इनकम, समझ पा रहे हो। तो मैं आपसे अगर कुछ चीज़ें पूछो, आप बोलोगे डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट है ना आपके लिए। अगर आपको याद नहीं आता है तो क्या ट्रेडिंग पी एन एल और बैलेंस शीट की पोस्टिंग याद आती है क्या, रेंट आप कहाँ लिखते थे, पी एन एल डेबिट में, अगेन लिखते डेबिट में ही थे ना, तो कहने से हर वो चीज़ जो आप डेबिट में लिखते थे वो डेबिट बैलेंस ही थी, हर वो चीज़ जो आप क्रेडिट साइड में लिखते थे वो क्रेडिट बैलेंस ही थी, इतना समझ में आता है। बिल्स पेबल लाइब्रेरी में लिखते थे मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस, लाइब्रेरी मतलब क्रेडिट, राइट, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइब्रेरी में लिखते थे आप, राइट, ओके। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कहाँ लिखते थे आप, बैलेंस शीट में, एसेट में लिखते थे, मतलब कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस, समझ पा रहे हो ये बात, राइट, ओके। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे बेटा आप, कहाँ लिखते थे, पीएनएल डेबिट में, माइंड में आ रहा है कि सर एसेट से माइनस करते थे, लिखते कहाँ थे, डेबिट में लिखते थे, पीएनएल की डेबिट में, मतलब डेप्रिसिएशन एज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस है ना आपका, खर्चा है ना, खर्चा है ना। तो आपको ये चार चीज़ें कैटेगराइज करनी आनी चाहिए, एक्सपेंस है, एसेट है, इनकम है या लाइबिलिटी, ये चार चीज़ें में कैटेगराइज करो आप, एकदम ईजी हो जाएगा आपको, समझ पा रहे हो। लेकिन मेरा सिखाने का मकसद कुछ और था, ये बैलेंस समझ में आया किसका है, मतलब अगर आपको मैं कुछ बोलूं परचेस, तो परचेस का कौन सा बैलेंस, परचेस का कौन सा बैलेंस है, परचेस कहाँ दिखाते थे आप, ट्रेडिंग डेबिट में, मतलब उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। बेटा अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्या होगा,
क्रेट, इतना समझ में आता है क्या सबको? परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेट। सेल्स क्या है? क्रेट। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। इतना सबको समझ में आ रहा है? सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। लॉजिक क्लियर है सब? तो बेटा ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको रेक्टिफिकेशन बहुत हेल्प करेंगे, ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स बहुत हेल्प करें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक परचेस की एंट्री करो, तो आप सीधे बोलोगे सर परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, बराबर। परचेस अकाउंट क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। क्यों? आपको परचेस कहाँ से याद है बेटा? मुझे रूल्स अगर पर्सनल डिटेल नॉर्मली भूल भी गया ना, एक चीज आता है ट्रेडिंग डेबिट में आता है ना, मतलब परचेस डेबिट ही होता है, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ एक नॉर्मल परचेस रिटर्न की एंट्री करके दे, फिर मैं परचेस रिटर्न याद नहीं करता, मैं परचेस को याद करता हूँ। परचेस डेबिट था मतलब परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। तो मैं बोलूंगा सर कुछ भी हो जाए परचेस रिटर्न को मैं क्रेडिट करके रहूँ, बराबर है क्या? तो डेबिट किसी का किसी पार्टी को कर देंगे। सेल्स, सेल्स कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग क्रेडिट में, मतलब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, ये बात कंफर्म है। डेबिट किसी और पार्टी को कर देंगे। सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, मतलब एंट्री अगर मुझे करनी रहेगी मैं बोलूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू किसी का नाम लिख देंगे, समझ पा रहे ये बात, राइट। अगेन सैलरी, सैलरी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस, मतलब मैं बोलूंगा सर सैलरी को डेबिट अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू समथिंग। लॉजिक क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव कहाँ लिखते थे? अगर यहाँ सब भूल गए ना आप, कहाँ लिखते थे आपके फाइनल अकाउंट में वो याद करो, कहाँ लिखते थे? पीएनएल क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ये बात कंफर्म है। टू इंटरेस्ट डेबिट किसी और को कर देंगे, मतलब एक साइड की, एक साइड की एंट्री आप कर लेते हो, एक साइड की एंट्री कर लोगे, राइट। अगेन मशीनरी, मशीनरी कहाँ दिखाया आपने? एसेट में, मतलब कहने से सर मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, यस और नो? यस। बिल्डिंग कहाँ लिखते थे? एसेट में, तो अगेन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ये बात समझ पा रहे हो क्या? आइडियली इन सब के बैलेंसेज आप इजीली निकाल सकते। अगर मैं आपको बोलता हूँ बिल्डिंग परचेस करने की एंट्री बोलो, तो आप अगर एंट्री पर्सनल डिटेल नॉर्मल से याद नहीं आ रही है ना, तो आप बैलेंस शीट से याद कर सकते हो। बिल्डिंग कहाँ आता है? एसेट में आता है, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, ये बात कंफर्म। लॉजिक क्लियर है क्या सबको? तो यहाँ तक हमने आधी एंट्री सीख ली, आधी एंट्री सीख ली, आधी एंट्री में सिखाऊंगा आपको, ये आधी समझ में आ गई क्या? आगे अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं आपको, अप्रोच। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे मशीनरी था, क्या यहाँ से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते? मुझे इसकी एंट्री चाहिए, सब रुक गया, मुझे इसकी एंट्री चाहिए, इलेवेंथ की एंट्री बेटा। हाँ, ये रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोगों, बेसिक एंट्री है, प्लीज ध्यान देना। द अप्रोच इज, क्या ये एसेट साइड है? एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अब प्लीज ध्यान देना, अगर ये डेबिट बैलेंस है बेटा, तो ये डेबिट में से माइनस करना क्या होता है? डेबिट में से माइनस करना मतलब होता है क्रेडिट करना, समझ पा रहे हो? अगर मैं माइनस करता हूँ मतलब इट इज द रिवर्स इफेक्ट, डेबिट से माइनस करना क्या होता है? क्रेडिट करना होता है। बेटा ये क्रेडिट किसको हुआ? मशीनरी। क्रेडिट किसको हुआ? मशीनरी को। तो डेबिट किसको करूंगा? डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इतना सिंपल सा लॉजिक, मतलब एंट्री अपन कहीं से भी निकाल सकते हैं, मैं बैलेंस शीट से भी एंट्री कर सकता हूँ, मैं पीएनएल से भी एंट्री कर सकता हूँ, कहीं से भी एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे डेटस, क्या यहाँ से बैड डेट्स आप माइनस करते हो? अगेन पहले तो आप ये बताइए, ये यहाँ से माइनस करना, एसेट से माइनस करना, एसेट मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट। डेबिट से माइनस करना था क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट किसको हुआ? डेटस को। तो डेबिट किसको हुआ? एंट्री क्या बन गई? बैड डेट्स टू। क्या ये एंट्री एकदम इजी इजी हो रही है? मतलब अभी बैलेंस शीट से भी अपने को जनरल एंट्री आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया था अपन बैलेंस शीट से भी जनरल एंट्री बनाएंगे, राइट। ऑल दो जनरल इज द फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेप, हम उल्टा भी जा रहे हैं, उल्टा एबीसी भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे ये फिर से मशीनरी है और यहाँ पे मैं एड वेजेस कर रहा हूँ, करते थे ना इंस्टॉलेशन वेजेस, राइट। प्लीज बताइए सबसे पहले ये बैलेंस इफेक्ट कौन सा हुआ? डेबिट में ऐड करना, ऐड करना मतलब सेम इफेक्ट, लेस करना मतलब रिवर्स इफेक्ट। अगेन ये बैलेंस इफेक्ट कौन सा हुआ? डेबिट। ये डेबिट किसको हुआ? मशीनरी। अगर इसको मशीनरी तो इसको क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा। आ रहे समझ में? एंट्री क्या बन गई? लॉजिक समझ पा रहे हो ये बात पक्का? अगर आपको ये एंट्री समझ पा रहे हो तो मैं आपको अब पीएनएल से एंट्री बताता हूँ, पीएनएल से एंट्री बताता हूँ। आपको बेसिक बेसिक एडजस्टमेंट तो सबको आती है बेटा, मुझे मालूम है, चार पांच एडजस्टमेंट आप रट के आए। आउटस्टैंडिंग अगर बोलो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी पटक से एंट्री बोलो, सर पोस्टिंग आती है हमको आउटस्टैंडिंग, बताओ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप क्या लिखते थे, कहाँ लिखते थे? सैलरी में ऐड करते थे और लाइबिलिटी में। सबको आता है ना ये? यस, मैं भी वही बोल रहा हूँ, आपको सबको आता है तो मुझे वही चाहिए, उतना सबको आना चाहिए। ये टू सैलरी है और अब यहाँ ऐड करते थे ऐड आउटस्टैंडिंग, बराबर।
क्यों किया सर? वो नहीं पता, हमको सिखाया गया था, ऐड करते हैं, सेकंड इफेक्ट लाइब्रेरी में आता है, बराबर ना? जर्नल एंट्री, जर्नल, कुछ कुछ बच्चों ने तो अभी, अब कुछ बच्चों ने लॉजिक लगा लिया होगा, कुछ बच्चों ने अभी भी लॉजिक नहीं लगाया, प्लीज ध्यान दीजिए, क्या ये डेबिट साइड है? अगर ये डेबिट में ऐड हुआ मतलब ये कौन सा इफेक्ट हुआ? तो ये डेबिट किसको हुआ? सैलरी को। तो क्रेडिट क्या होगा? एंट्री क्या बन गई? सैलरी टू, समझ पा रहे हो? सैलरी टू आउटसाइंग सैलरी, लॉजिक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट, क्या करते थे आप? प्रीपेड रेंट लेस करते थे, सेकंड इफेक्ट कहाँ देते थे? एसेट, सबको आता है बेसिक बेसिक एडजस्टमेंट, प्रीपेड रेंट डालते थे ना, यहाँ से क्या माइनस करते थे आप? प्रीपेड रेंट, और सेकंड इफेक्ट डालते थे आप एसेट में, राइट? अगेन इसको छोड़ो, ये बताओ इफेक्ट कौन सा हुआ? ये कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रेडिट, क्रेडिट किसको हुआ? रेंट को। तो डेबिट किसको करो? प्रीपेड रेंट को। एंट्री क्या बन गई? प्रीपेड रेंट टू, लॉजिक समझ पा रहे हो ये बात? मतलब आई कैन गो फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर, मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत इफेक्ट भी याद है ना तो भी आप जर्नल कर सकते हो, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हो? राइट, आई कैन डू द एंट्रीज, ओके। अब एडवांस इनकम आप क्या करते थे बेटा? जब कमीशन एडवांस में मिलता था अपने, ये आपका पीएनएल है, आपका यहाँ कमीशन मिलता था, बराबर? कमीशन मिला मान लेते हैं 10,000, और मैं आपको बोलूँ कमीशन वॉज रिसीव इन एडवांस रुपीज 2,000, एडवांस इनकम आपके लिए एसेट लाइबिलिटी। तो आप क्या करते थे? यहाँ से माइनस करते थे, तो यहाँ से मैंने एडवांस कमीशन माइनस 2,000 रुपये, आउटो कॉलम कितना आया? 8,000, और सेकंड इफेक्ट कहाँ देते थे? एडवांस कम लाइब्रेरी में देते थे, राइट? अगेन इफेक्ट्स की बात करते हैं बेटा, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट से माइनस करना मतलब कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट किसको हुआ? तो क्रेडिट किसको हुआ होगा? एंट्री क्या होगी? कमीशन टू एडवांस कमीशन, अच्छे से सोचो बेटा, डेबिट किसको हुआ? कमीशन को, तो क्रेडिट किसको होगा? एडवांस कम। अगेन अक्रूड रेंट या रेंट रिसीवेबल आप ऐड करते थे, यहाँ पर इंटरेस्ट आता था बाय इंटरेस्ट, क्या आप यहाँ पे ऐड अक्रूड करते थे? अक्रूड इंटरेस्ट, राइट? ऐड करते थे, प्लीज बताइए इफेक्ट कौन सा हुआ? क्रेडिट में ऐड हुआ, कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट किसको हुआ? इंटरेस्ट को। तो डेबिट किसको करूँ? अक्रूड को। एंट्री क्या बन गई? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, क्या ये लॉजिक यहाँ तक क्लियर है बेटा? सर पक्का एंट्रीज कर पाओगे? अगर मैं कोई भी एंट्री पूछूं आप कर पाओगे? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट था, मैंने यहाँ से माइनस किया, मुझे बताओ मैंने डिस्काउंट को क्या किया? डिस्काउंट को मैं डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ उतना बता दो। ये कौन सा साइड है? डेबिट, लेस करना, डेबिट से लेस करना, तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट इफेक्ट किया, मतलब क्या कहने से डिस्काउंट क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट जो भी हुआ होगा वो उसको बाद में नाम देखेंगे, क्या इतना समझ पा रहे हो? इसको मैंने क्रेडिट करना चाहिए, लॉजिक क्लियर है सबको, राइट? ओके, बेटा पीएनएल में जब हम डालते हैं उसको ट्रांसफर एंट्री, जब हमने पीएनएल ट्रांसफर किया उसको मैं ट्रांसफर एंट्री देता हूँ। ओके, क्या बैलेंस शीट से हम एंट्री कर पा रहे हैं? क्या पीएनएल से एंट्री कर पा रहे हैं? क्या मैं ट्रेडिंग से भी सेम एंट्री निकाल सकता हूँ? जैसे अगर मैं आपको बोलूँ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, यहाँ पे वेजेस था, आपने पे किया वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप यहाँ से क्या कर दो? सोचो, 11th का एडजस्टमेंट है बेटा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ऐसा एक एडजस्टमेंट था कि आपको 11th 12th, राइट? आप क्या करते थे? माइनस करते थे, और वो वेजेस मशीनरी में जाके ऐड करते थे, क्योंकि मशीनरी का कॉस्ट है, राइट? अगेन मशीनरी का छोड़ो, मुझे इसकी इसकी बात करो, ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड, आपने डेबिट से माइनस किया, माइनस करने वाला रिवर्स इफेक्ट, मतलब इफेक्ट कौन सा हुआ? क्रेडिट किसको हुआ? अब आप याद करो, देखो मैंने वहां से भी एंट्री वही निकाला के, वही एंट्री निकाला के, देखो तो आपने मशीनरी में ऐड किया था ना, मतलब मैं कहीं से भी वो एंट्री सेम एंट्री कर सकता हूँ, आप मशीनरी से एंट्री वो करो या वेजेस से एंट्री करो, आंसर तो सेम आना है, क्या यहाँ से वही एंट्री आई थी बेटा वेजेस को क्रेडिट किया मैंने? लॉजिक क्लियर है? रेक्टिफिकेशन में आई विल टीच यू 3 कंसेप्ट, आप कहीं से भी एंट्री करो, आप जर्नल अप्रोच से करो, आप लेजर अप्रोच से करो, या बैलेंस शीट अप्रोच, कोई भी अप्रोच करो आपको एंट्री जरूर वही मिलेगी। मेरा फेवरेट है लेजर, क्योंकि लेजर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेजर आपको हर टाइप का एरर सॉल्व कर देगा, हर टाइप का एरर, ठीक है? तो मैं आपको हर बार जो बताऊंगा लेजर के अप्रोच को बताऊंगा, ऑल्दो आई विल बी टीचिंग यू ईच अदर एवरी अदर कॉन्सेप्ट, बट मैं जितने शॉर्टकट्स हो सकते हैं लेजर के थ्रू मैं उतने लेजर के थ्रू आपको बताने की कोशिश, राइट? बट इतना इतनी बात ध्यान में रखो बेटा कि अगर मैं आपसे इफेक्ट्स पूछ रहा हूँ आपको इफेक्ट आने चाहिए,
जैसे अगर आपको बाकी कुछ चीजें याद नहीं आती है बेटा, सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट या इफेक्ट याद आता है ना, उसका सिर्फ इफेक्ट बोलना सीखो, इफेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कमीशन पेड कौन सा बैलेंस रहेगा? कमीशन पेड, कमीशन कहाँ आता है? पीएनएल के डेबिट साइड पे किया ना, मतलब कमीशन का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, राइट। ओके, अब एक चीज मेरे साथ आप लिखोगे, तो इंक्रीज डेबिट हमें क्या करना पड़ेगा? और डेबिट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है सबको? अगर मुझे डेबिट को और बढ़ाना है तो और डेबिट करना पड़ेगा। टू डिक्रीज डेबिट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना। समझ पा रहे हैं? मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको वापस। टू इंक्रीज डेबिट, सॉरी, टू इंक्रीज क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाना है तो और वही सेम इफेक्ट करना पड़ेगा, जैसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड टू डिक्रीज अ क्रेडिट बैलेंस हमें क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। इन शॉर्ट, बढ़ाना है तो सेम, कम करना है तो रिवर्स। लॉजिक क्लियर है? बढ़ाना है तो सेम, कम करना है तो रिवर्स। क्या यहां तक समझ पा रहे? राइट। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक नॉर्मल मशीनरी परचेस करने की एंट्री। आप बोलोगे सर मशीनरी तो कैश या फिर क्रेडिट, बराबर है क्या? उधार पे ले सकता हूं ना मैं, बराबर? अभी प्लीज ध्यान देना, मैंने और मशीनरी परचेस की, मशीनरी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अब मैं आपसे सिंपल से मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, मशीनरी का कौन सा बैलेंस? डेबिट। क्या मशीनरी और बढ़ाना है? और बढ़ाने के लिए मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? लॉजिक क्लियर है? कहने से अगर और मशीनरी परचेस किया तो वापस ये एंट्री करूंगा मशीनरी को क्रेडिट। समझ पा रहे हो? मतलब अगर मुझे मशीनरी को और बढ़ाना है तो मशीनरी का क्या डेबिट बैलेंस था? क्या मुझे उसको और बढ़ाना है तो मुझे मशीनरी को और डेबिट करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर? अच्छा, मशीनरी को मैंने बेच दिया तो मशीनरी बढ़ गई या कम हो? तो मशीनरी को कम करना है, मशीनरी का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। ऐसे तो डेबिट, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या आप मशीनरी बेचते समय यही करते हो? क्रेडिट वॉट गोज आउट। एक नॉर्मल मशीनरी बेचने की एंट्री कह रही है बैंक टू मशीनरी। क्या मशीनरी जा रही है? क्या मशीनरी कम हो रही है? मशीनरी अगर कम हो रही है, मशीनरी का कौन सा बैलेंस है? एसेट है आपके लिए, एसेट का कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। कम करने के लिए क्या करो? क्रेडिट। क्या ये लॉजिक क्लियर है? मैं आपके सामने अप्रोचेस डाल रहा हूँ, कोई ना कोई अप्रोच रेक्टिफाई करते समय आपको आपके माइंड को हिट जरूर करेगा, राइट? इधर इट कैन बी लेजर अप्रोच, इट कैन बी बैलेंस शीट अप्रोच, इधर इट कैन बी कम ज्यादा वाला अप्रोच। समझ पा रहे हो ये बात? तो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ अप्रोचेस रखा। अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाना है तो सेम इफेक्ट, अगर मुझे किसी चीज को कम करना है तो रिवर्स इफेक्ट। लॉजिक क्लियर है? अब मैं आपसे कुछ दो तीन चीजें पूछ रहा हूँ, उसे जवाब दें। परचेस, परचेस का कौन सा बैलेंस? मुझे उसको और बढ़ाना है, कम करना है, मतलब परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, सेल्स और बढ़ाना है, कम करना है। लॉजिक क्लियर है? पक्का। डेटर, डेबिट, मुझे डेटर को बढ़ाना है, कम करना है। क्रेडिटर्स, बढ़ाना है, कम करना है। सब समझ में आ रहा है, राइट? सबको समझ में आ रहा है? ओके, सैलरी, बढ़ाना है, कम करना है। लॉजिक क्लियर? एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऑब्वियसली मैथ्स है,